तो और मेरे भाई, क्या हाल चाल है यार? स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। तो आज का कंसेप्ट कुछ ऐसा है, मैंने रिसेंटली ये पिक पोस्ट की थी बट लाइक नहीं आया यार। सो सैड। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पिक को करते हैं एडिट। सिंपली आपको क्या करना है, पिक साथ में सबसे पहले बैकग्राउंड ले आना है। इन सभी PNGs बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको सभी ऐप जो मैं यूज़ कर रहा हूँ पिक्सआर्ट और लाइटरूम, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सिंपली आपको मॉडल का PNG लाना है और उसको एडजस्ट करके थोड़ा सा हम रोटेट कर लेते हैं, मिरर कर लेते हैं यार, ठीक है? तो इन्वर्स कर लिया इसको। अब इसको एडजस्ट करके यहाँ पे लगा देते हैं सिंपली कुछ इस तरह से। अब आपको पिक लानी है जो हमारा एलियंस होते हैं ना, जो क्योंकि हम बेंटन की जो कर रहे हैं तो वहाँ पे एलियंस तो जरूर होंगे। तो यहाँ पे फोर आर्म्स, एक्सेलरेट और डायमंड हेड की जो मैंने PNG बनाया है, ये PNG बनाने में मेरे को लगभग लगभग 40 मिनट्स या 45 मिनट्स एक PNG को बनाने पर लगे हैं। तो अगर कोई सोच रहा है कि हाँ इतने कैसे लग गए भाई, तूने तो डाउनलोड किए होंगे, तो मैं आपको बता दूंगा, उसकी डिटेल भी बता दूंगा कि ये मैंने कैसे बनाया है, ठीक है? तो अब सिंपली गाइस इनको हम ब्लेंड करके स्क्रीन कर लेते हैं, क्योंकि ब्लैक में जो है आपको पता ही है, ब्लेंड में स्क्रीन और मल्टीप्लाई में जो होता है वो होता है, सॉरी वाइट में मल्टीप्लाई होता है। तो अब सिंपली इनको एडजस्ट करके यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा देते हैं। तो सबसे पहले डायमंड हेड, इसके बाद फोर आर्म्स भैया, और इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेना यार, क्योंकि इसके साइड में थोड़ी थोड़ी ग्रीन वाली वो लाइंस बची हुई हैं, तो इसलिए ये प्रॉपर होगा नहीं वो, नहीं तो साइड में रह जाएगी, इसलिए इसको थोड़ा क्रॉप कर लेना। अगर आप चाहो तो इरेज में जाके इरेज भी कर सकते हो, ठीक है? तो अब एक्सेलरेट की बारी। अब इसके बाद क्या करना है कि गाइस आपको वॉच और जो सभी PNG लाइट, स्मोक और इलेक्ट्रिसिटी के PNG हैं वो सभी ले आने हैं आपको। और सबसे पहले हम करेंगे वॉच का, तो इनको थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं जो हमारे, हम पहले इनको ब्लेंड करके कर लेते हैं स्क्रीन, और सभी को ऐसे स्क्रीन कर लेते हैं, और उसके बाद इनको थोड़ा सा नीचे रख देते हैं ताकि ये बीच में ना आए फोटो एडिटिंग के वक्त। तो इसको रख देते हैं पहले, इसको भी स्क्रीन कर देते हैं यार। तो अब इसको रख देते हैं नीचे वाली साइड कुछ इस तरह से, ताकि यार एडिटिंग, देखो सबसे पहले वॉच की एडिटिंग करेंगे हम। तो वॉच थोड़ा एडजस्ट करते हैं, वॉच को लगाते हैं कुछ इस तरह से, और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं जूम आउट, और यहाँ पे गाइस इसको जूम कर आउट कर लेते हैं, और थोड़ी सी रोटेट कर लेते हैं यार, क्योंकि जो उल्टे लगा दी मैंने, हाँ तो कुछ इस तरह से लग जाएगी यार ये। तो इसको यहाँ से थोड़ी सी और छोटी कर लेते हैं, क्योंकि हाथ पे सही आ जाएगी। तो जब आपके हाथ पे सही आ जाए तो इसको कर लेना। तो यहाँ पे अब आप कई बार सोचते होगे कि इसको बैक कैसे करें, तो इरेज करके सिंपली टिक कर दो तो आप वापस जूम आउट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जूम आउट नहीं होता कई बार। तो स्मोक का PNG इसको सबसे पहले बड़ा करके लगा लेते हैं नीचे, और कुछ इस तरह से। तो इसको नीचे ले जाते हैं। अब सभी PNG इसके नीचे रह गए हैं, तो इसको हम मूव डाउन करते जाएंगे और वो नीचे वाले PNG उठाते जाएंगे, वरना ऐसे PNG नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ये PNG सिलेक्ट हुआ रहेगा। तो अब इसके बाद ये लगा दिया, इसके बाद एक और PNG इलेक्ट्रिसिटी का, उसको भी लगा देते हैं यहाँ पे सिंपली वॉच के ऊपर। इसके बाद लाइट है जो हमारी, लाइट को भी हम वॉच के ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि देखो यार वो चमकेगी तो वहाँ से लाइट तो आएगी। इसको थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं, और इसकी ओपेसिटी भी कम कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा चमक रही है थोड़ी सी, तो यहाँ पे सही है, और इसकी ओपेसिटी इतनी सही है। और सिंपली एक और इलेक्ट्रिसिटी का डाउनलोड करते हैं यार, जो हमारी साइड में से हाथ के ऊपर से ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, क्योंकि देखो अगर उसमें से पावर आ रही है तो हमारे शरीर में भी तो करंट लगेगा भाई। तो एक इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पे एडजस्ट करके कुछ इस तरह से लगा देते हैं, और यहाँ से सिंपली हमारी पिक हो चुकी है डन। अब इसको लेके चलते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से पूरी पिक डन हो चुकी है, यहाँ से डन करके इसको हम चलते हैं ड्रॉ टूल के अंदर, ड्रॉ टूल पे जाकर इसको करते हैं सेव। तो गाइज पिक्सआर्ट में एडिट करने से पहले उसको रिसाइज जरूर कर लेना, ठीक है? तो यहाँ से सेव, अब इसको सिंपली ले चलते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो लाइट रूम एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो सिंपली वहाँ से आप जाके उसको डाउनलोड कर लेना। तो अब क्या करने की गाइस, इसका थोड़ा सा हाईलाइट्स कम कर देनी है, और थोड़ी वाइट कम, थोड़ा ब्लैक बढ़ा देना है, और थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ा देना है, ठीक है? तो अब इसके बाद क्या करना है कि आपको वाइब्रेंस बढ़ानी है, और सैचुरेशन बढ़ानी है, और थोड़े टिंट ग्रीन वाली साइड करना है, क्योंकि हमने इसको ग्रीनिश टोन देनी है। अब ग्रीन में चल के इसकी थोड़ी सैचुरेशन भी बढ़ा देते हैं, और जो हमारा येलो है उसको भी थोड़ा ग्रीनिश कर देते हैं, और ब्लू की भी सेटिंग कर देते हैं। और स्किन की आपको पता ही है सेटिंग करनी होती है, क्योंकि हमें वाइट करना होता है। अगर आप चाहो स्किन को अभी से ग्रीन कर सकते हो, बट मैं आपको एक अच्छा वे बताऊंगा जिससे आप पूरी स्किन को ग्रीन कर सकते हो, ठीक है? मतलब पूरा कि खुद को यार, आप देखो ये पीछे बैकग्राउंड उसके साथ आप खुद मैच नहीं हो रही, तो उसको आपको कर दूंगा मैं, ठीक है? अब ग्रेडियंट में जाना है, ग्रेडियंट में जाने के बाद हाइलाइट्स और शेडो दोनों आपको ग्रीन सेलेक्ट करने हैं, और नीचे से आपको सेटिंग करनी है कुछ इस तरह से, बिल्कुल ऐसे ही करना। अगर आप चाहो तो घटा बढ़ा भी सकते हो, ठीक है?
तो यहाँ से ब्लेंडिंग 100 और ये 98 कुछ समथिंग रख देते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ी कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ से सिंपली पिक को करते हैं डन। अब चलते हैं हम हमारे इसके टूल के अंदर, HSL टूल के अंदर, जहाँ पे हम हमारे लिप्स है जो उनकी सेटिंग कर दें। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद अपने ऊपर ही सर्कल ड्रॉ करना है। अब इसको अब आपको कलर को करना है, टिंट चेंज करना है। टिंट को कर देना है ग्रीन और थोड़ा सा कलर चेंज करने के बाद, तो देखिए अब हमारी पिक है जो पीछे मैच हो रही है, ठीक है। अब इसकी सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा के और इसका नीचे से कलर हम कर देंगे, थोड़ी सी सैचुरेशन 18 रख देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, तो अब हमारे पिक हो चुकी है डन। यहाँ से तो बिल्कुल पिक डन हो चुकी है, तो कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा। तो अब हमें क्लैरिटी और थोड़ी सी वो जो हमारा बिगनेट है वो डाल देते हैं हम इससे। तो यहाँ से देखो पिक भाई कितनी ओपी लग रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से अब सिंपली हमारा जो डोजन बंद करेंगे इफेक्ट। तो यहाँ पे कई बार यार ये प्रॉब्लम आ जाती है कि पिक मूव नहीं होती, तो आपको क्या करना है, आपको जूम आउट करके ही सिंपली, तो आप अगर चाहो तो बाहर से भी जूम उतना जूम करके फिर यहाँ से सेटिंग करके आ सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना तो आपको सिंपली आप इसको जूम आउट कर लें और वो ऊपर से ही पेन चलाते रहें, पेन का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको आप देख लो। अब मैं मिलता हूँ आपको आखिर में। तो ये देखिए गाइस बिफोर एंड आफ्टर आपको पिक कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं हम आपको अगली ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन दबाइए और वीडियो को लाइक करिए, नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।